चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी टैली आरपी का डेमो। वेलकम टू द एटीट्यूड टैली एकेडमी। आई एम तुराब हैदर। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्लास ऑफ डेमो। इसमें हम पढ़ेंगे कि मैनुअल अकाउंटिंग क्या है और टैली आरपी क्या है। फर्स्ट वी डिस्कसिंग अबाउट द मैनुअल अकाउंटिंग, देन वी स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द टैली। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज टैली, टैली है क्या। अब जैसे मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, उसमें से टैली भी एक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर से मेरा मतलब है कि बिजी है, माग है, सैप है, इसी तरह से टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे हमने छोटी सी इसकी डिस्क्रिप्शन दी है, उसमें भी हमने यही मेंशन किया है, टैली इज एन अकाउंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विच इज हैविंग मैनी अदर्स फीचर्स टू। टेस्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज टैली ईआरपी 9। तो यहां से हमारा मतलब ये है, टैली जो है वो अकाउंट और इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक से है हमारा, स्टॉक को मेंटेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसके बेसिकली बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे कि आप इसमें सारे अकाउंटिंग फंक्शंस कर सकते हैं, एंट्रीज पास कर सकते हैं, वैट लगा सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग कर सकते हैं, जॉब कॉस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, पेरोल मेंटेन कर सकते हैं। पेरोल मतलब जैसे एचआर डिपार्टमेंट होता है आपका, उसमें एक एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी देनी है, कितना एचआरए देना है, कितना कन्वेंस कार्ड उसका है, ये सारी डिटेल हम टैली पे कर सकते हैं। एमआईएस रिपोर्टिंग जनरेट कर सकते हैं, टीडीएस जनरेट कर सकते हैं, 281 फॉर्म जैसे टीडीएस के लिए निकालना होता है, ये अकाउंटिंग फिलिंग करने के लिए, वो सब हम कर सकते हैं। एक्साइज कर सकते हैं, बजट मेंटेन कर सकते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम टैली के थ्रू कर सकते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा मैनुअल अकाउंटिंग, टैली की शुरुआत कब से हुई। सबसे पहले 1986 में भारत गोनखा ने टैली को पब्लिश किया। 88 में पहला वर्जन लॉन्च हुआ जो था हमारा टैली 4.5, डॉस विंडो पे जो वर्क करता था। इसी तरह से फिर बढ़ते चले गए, 96 में 2000 तक हमारा 5.4 वर्जन चला, देन 2009 में यानी 2009 में, और अब तक टैली ईआरपी 9 हमारा वर्किंग है। टैली ईआरपी 9 से मतलब टैली ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। लेटेस्ट वर्जन हमारा 4.93 है। वैसे तो दिल्ली और अदर स्टेट, दो तीन स्टेट और हैं, उनके लिए 5.3 वर्जन आ गया क्योंकि वैट वगैरह यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज हुआ है। ये टैली में और टैली ईआरपी में डिफरेंस क्या है, एडवांटेज ऑफ टैली ईआरपी क्या है। सबसे पहले तो इंस्टॉलेशन बहुत आसान हो गया है, बैकअप रिस्टोर की फैसिलिटी आ गई है, अपनी फाइल को हम स्टोर करा सकते हैं पेन ड्राइव में अपनी बैकअप लेके उसका, देन दोबारा से उसे रिस्टोर कर सकते हैं। सिक्योरिटी लेवल बहुत ही मजबूत हो गया है, हम अपने जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं उनको अलग अलग पासवर्ड प्रोवाइड करा सकते हैं, ओनर्स को अलग पासवर्ड प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे आपका फेसबुक अकाउंट यूजर आईडी एंड पासवर्ड से खुलता है, इसी तरह से टैली में भी यूजर आईडी और पासवर्ड हम क्रिएट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ डाटा से मतलब है कि अपनी फाइल को आप जिप में, जेपीजी में, पीडीएफ में, एक्सएमएल में, नोटपैड वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिससे कि अगर किसी को इन्वॉइस वगैरह भेजना हो, अगर किसी की डिमांड है कि पीडीएफ में या जिप फाइल में ही उसे चाहिए, तो उसमें भी हम कन्वर्ट करके टैली के थ्रू भी। अलग से कनेक्टिविटी आ गई है, टैली को डायरेक्ट हम एक्सेल से कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपके लेजर्स, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ये सब हम देख सकते हैं। डॉट नेट का फीचर जैसे मैंने आपको बताया था कि यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया कराया जाएगा जिसके थ्रू आप सर्वर का डाटा किसी अदर स्पेस से, अदर प्लेस से आप जाकर चेक कर सकते हो। वहां पे आपको सिर्फ रिक्वायर्ड होगी टैली के लिए ओपन करने के लिए सिर्फ एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड की। तो अगर मैनुअल अकाउंटिंग की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे 5 टाइप्स के नेचर्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी, जो भी आप वन टाइम जिसने हिंदी मीडियम से पढ़ा है उनके लिए पूंजी होता है, देन इंग्लिश मीडियम कैपिटल एज यू नो वेरी वेल। कैपिटल जो भी आपने इन्वेस्ट किया है कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए वो आपकी कैपिटल कहलाएगी। जैसे अगर मैं बात करूँ किसी राम कुमार ने एक कंपनी स्टैब्लिश की है या एक कंपनी लगाई है, उसके लिए उसने 50 लाख रुपए लगाए, इन्वेस्ट किए, तो 50 लाख क्या हुआ उसकी, वो कैपिटल। अब वो एज ए मनी के रूप में भी ला सकता है, फर्नीचर भी जनरेट कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए ऐड कर रहा है कंपनी में। देन असेट, संपत्ति आपकी दो तरह की होती है, फिक्स असेट एंड करंट असेट। फिक्स असेट जो 1 ईयर से लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपके पास रहती है, करंट असेट वो जो 1 ईयर से शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपके पास है। जैसे अगर मैं फिक्स असेट की बात करूँ
तो बिल्डिंग हो गई आपकी, फर्नीचर हो गया, मशीनरी इक्विपमेंट्स हो गई, ये सब क्या है आपकी फिक्स असेट है। छोटी छोटी डेफिनेशन हमने दी हुई है यहाँ पे, तो फर्नीचर मशीनरी बिल्डिंग इक्विपमेंट ये सब हमारी फिक्स असेट है। करंट असेट जो 1 ईयर से शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हमारे पास है, जैसे बैंक है, कैश है, अभी है, 2 4 महीने बाद बढ़ जाएगा, घट जाएगा। डेटर्स हैं हमारे, पैसे लेने किसी से, 2 महीने बाद उसने पे कर दिए तो कैश हमारा बढ़ेगा। इस तरह से ये हमारी करंट असेट होती है। आगे चलते हैं, हम लाइबिलिटीज की बात कर लेते हैं। लाइबिलिटीज भी 2 तरह की होती है हमारी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जैसे 1 ईयर से पास है तो वो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी। जैसे बैंक से लोन लिया हुआ है मैंने 5 साल के लिए, अब उसे धीरे धीरे करके चुका रहा हूँ, तो वो मेरी लोन जो है वो सिक्योर्ड रखते हैं, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आएगी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जैसे अगर आपने किसी से माल परचेज किया उधार में, अब पैसे आपको प्रोवाइड कर 1 महीने बाद देते हो, 2 महीने बाद, तो वो आपकी क्या होगी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होगी। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी हमारे 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस से मतलब जो भी है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जो उसकी कॉस्ट को इफेक्ट कर रहा है, वो उसका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस में आपका जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कैरिज इनवर्ड है, वेजेस है, या मटेरियल की जो भी कॉस्ट को इफेक्ट कर रहा है वो उसका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। या लेबर वगैरह भी आप देख सकते हैं कि अगर किसी कोई मैं पेन बना रहा हूँ उस पर जो भी लेबर चार्ज आ रहा है, या शर्ट बना रहा हूँ, शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है मेरे यहाँ, तो उस पर जो भी लेबर चार्ज मेरा लग रहा है, या पैकेजिंग चार्ज, ये सब चार्ज जो हो रहे हैं जो उसकी कॉस्ट को इफेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो उसके डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। माल बन के तैयार हो गया, उसके बाद उसे मैं ट्रेडिंग के लिए भेज रहा हूँ, उस पर एडवर्टाइजिंग के लिए खर्च कर रहा हूँ, रेंट वगैरह दे रहा हूँ उसे रखने के लिए गोडाउन का, तो वो सब मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। ये उसके बाद इनकम की बात करें तो डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम 2 तरह की इनकम होगी हमारी। जैसे अगर हम समझने के लिए इसे यूज करें तो जैसे आप किसी कंपनी में काम, तो आप काम कर रहे हो और आपको उसके बदले सैलरी मिल रही है, तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, या सॉरी डायरेक्ट इनकम है। अगर हम बात करें तो अगर सैलरी पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, ये सब आपकी इनडायरेक्ट इनकम में आएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, रूल फॉलो करते हैं। 5 टाइप के बेसिक रूल्स होते हैं हमारे, इन्हें बेसिक अकाउंटिंग रूल्स बोलते हैं हम। ठीक है, अगर कैपिटल आपकी इंक्रीज हो रही कैपिटल तो डेबिट करेंगे, इंक्रीज अगर असेट हो रही है तो उसका उल्टा होगा, जस्ट डेबिट होगी। डिक्रीज हो रही है असेट, संपत्ति अगर हमारी घट रही है तो क्रेडिट होगी। ठीक है, हम करके मतलब काम तो ये भी कहीं ना कहीं आते हैं, मगर हम इनको ना फॉलो करके हम फॉलो करते हैं ये 3 गोल्डन रूल्स। अगर आपने ये 3 गोल्डन रूल्स समझ लिए, इसका मतलब ये है कि क्लियर हो गया है। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट यानी ओनर डेटर क्रिएटर, लेनदार देनदार और मालिक की बात करें तो उसका रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द रिसीव करने वाला, जिसको भी पैसा मिल रहा हो या जिसको भी जो सामान मिल रहा है वो हमेशा डेबिट होगा, और जो गिवर है देने वाला है वो हमेशा क्रेडिट होगा। जैसे अगर मैंने आपको 500 रुपये दिए तो रिसीवर कौन है, आप हुए, और क्रेडिटर कौन हुआ, मैं। ठीक है, तो आप डेबिट हो गए और मैं क्रेडिट होऊंगा। इसी तरह से अगर रियल अकाउंट्स की बात करें यानी असेट संपत्ति से रिलेटेड हमारे अकाउंट की बात करते हैं हम, तो इसमें रूल होता है डेबिट वार्ड्स कम इन क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। जो भी आएगा हमारे पास उसको डेबिट करना है, जो हमारे पास से जाएगा वो हमें क्रेडिट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एंट्री है मेरे पास, मैंने परचेज किया है फर्नीचर 5,000 रुपये का, तो मेरे पास क्या आया, अब फर्नीचर आया, फर्नीचर आया, गया क्या मेरे पास से, कैश गया। अब कैश इन फॉर्म ऑफ कैश के भी जा सकता है और बैंक से हम चेक भी दे सकते हैं। तो फर्नीचर आया तो डेबिट किया हमने, और हमारे पास से कैश गया तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री क्या पास होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू में हम वो लिखते हैं जो हमारा क्रेडिट में है। देन नॉमिनल अकाउंट्स की अगर बात करें तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जितने भी खर्चे नुकसान है हमारे वो सब डेबिट होंगे, और जितने भी इनकम और गेन यानी प्रॉफिट है हमारा वो सब क्रेडिट होगा। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को सैलरी दी है, कमीशन दिया है, रेंट दिया है, ये सब क्या है, मेरा खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होगा, मैंने ये बताया, और जितना भी हमारे पास से जो चीज जा रही है वो क्रेडिट होगी। तो अगर कैश में पैसा जाएगा जब हम खर्चा करेंगे तो रेंट एक्सपेंस डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब के टैली पे एंट्रीज को कैसे पास कराते हैं, फर्स्ट हमें ये देखना है कि कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे हम अपनी कंपनी क्रिएट। सबसे पहले मैं आपको एक पीपीटी दिखा देता हूँ, हाउ टू क्रिएट ए कंपनी। अगर हमें कंपनी क्रिएट करनी है तो उसको हम कैसे करेंगे, कंपनी क्रिएट करने के लिए
सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पे देखना है टैली ईआरपी का आइकन जो है वो कहाँ पे आ रहा है आपका। टैली ईआरपी के आइकन पे आपको डबल क्लिक करना है। टैली ईआरपी के आइकन पे आप आए, देन डबल क्लिक ऑन टैली ईआरपी 9 आइकन, देन इस तरह से कुछ सॉफ्टवेयर ओपन होगा आपका, ठीक है। जब हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, सॉफ्टवेयर ओपन हो गया हमारा, अब यहाँ पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी, कंपनी इन्फो में इस तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी। कैसी इन्फॉर्मेशन आ रही है? सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एंड रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्विट। तो सबसे पहला काम आता है हमारा क्रिएट कंपनी करने का। जैसे हम क्रिएट कंपनी में एंटर करते हैं तो एक फॉर्म जनरेट होके आ जाता है। फॉर्म में आपकी कंपनी का नाम पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी का नाम एटीट्यूड टेक प्राइवेट लिमिटेड, देन द एड्रेस ऑफ द कंपनी, एड्रेस, ठीक है, देन हमारी कंट्री इंडिया, देन हमारा स्टेट दिल्ली, पिन नंबर हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे जो भी हमारा पिन नंबर होगा, टेलीफोन नंबर हमारी कंपनी का क्या है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना मेंशन कर सकते हैं, देन ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप फिल करेंगे। ऑटो बैकअप ऑप्शन को अभी हमें नो रखना है, हमें कोई पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में अलग से बैकअप अभी नहीं बनाना है, ठीक है। करेंसी इन्फॉर्मेशन में हमारे करेंसी सिंबल लेटेस्ट वाला ये है रुपीज़ का, तो हमें यही मेंशन करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, अकाउंट ओनली देन अकाउंट विद इन्वेंट्री। अकाउंट ओनली सिंपल जर्नल एंट्री पास करने के लिए हम रखते हैं, अकाउंट विद इन्वेंट्री जर्नल एंट्री के साथ साथ हमें स्टॉक भी मेंटेन करना है अगर, तो नॉर्मली इस कंपनीज में जो है वो अकाउंट विद इन्वेंट्री ही हम लेके चलते हैं। फाइनेंशियल ईयर जो भी आपका करंट में चल रहा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर अभी क्या चल रहा है, 15 से 16, मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, और कैलेंडर ईयर आपका शुरू होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो फाइनेंशियल ईयर हमने यहाँ पे मेंशन किया, फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, किताब में एंट्री करनी आपने कब से शुरू की है। हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर जैसे ही स्टार्ट हुआ है आपने करनी शुरू कर दी है, हो सकता है कि आपकी कंपनी 1 मई को स्टार्ट हुई है तो आप यहाँ पे फिर 1 मई मेंशन करेंगे। देन सिक्योरिटी कंट्रोल अभी आपको नहीं रखना है, हमें पासवर्ड से रिलेटेड चीज़ें अभी नहीं दिखानी है, ठीक है। ये बेसिक करेंसी इन्फॉर्मेशन है, इंडियन रुपीज INR का मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक लेना है, पैसेज में काउंट करना है, मिलियंस का सिंबल मुझे नहीं चाहिए, देन अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस मुझे मेंशन करना है कि नहीं करना है, डेसिमल में प्रिंट आउट में कितने डेसिमल तक लेना है, वो सब यहाँ पे आता है। एक्सेप्ट आएगा, उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे आपकी कंपनी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। कंपनी के क्रिएट होने के बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी। सबसे पहले यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम आएगा, जितनी भी एंट्री आपने की होगी लास्ट एंट्री यहाँ पे दिखाएगा, डेट ऑफ लास्ट एंट्री। अभी नो वाउचर एंट्री दिखा रहा है क्योंकि हमने कोई एंट्री पास अभी नहीं की है, ठीक है। अब एंट्रीज करने के लिए आपको कहाँ पे आना है, अकाउंटिंग वाउचर में आना है। अकाउंटिंग वाउचर में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपके बहुत सारे वाउचर आ जाएंगे। वाउचर की डिटेल अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे दे रखी है, F4 आपका काउंट्रा वाउचर है, F5 पेमेंट, F6 रिसीप्ट, F7 जर्नल, F8 सेल, F9 आपका परचेज वाउचर, लाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले आप F4 काउंट्रा वाउचर की बात कर लेते हैं। काउंट्रा वाउचर में मेरा क्या होता है, यहाँ पे हम कैश टू बैंक, बैंक टू कैश की एंट्री पास करते हैं, मतलब आपने पैसा बैंक से निकाला है, पैसा बैंक पे जमा कराया है, तो काउंट्रा वाउचर एंट्री होगी। F5 आपकी पेमेंट वाउचर वाउचर की एंट्री है, मतलब आपने पेमेंट की है किसी को तो आप यहाँ पे यूज करेंगे। F6 रिसीप्ट वाउचर है, आपने पैसे किसी से रिसीव किए हैं इन फॉर्म ऑफ कैश या इन फॉर्म ऑफ चेक, बोथ आर सेम, यहाँ पे आपको पास करनी है एंट्री। F7 देन जर्नल एंट्री आपकी क्रेडिट की या इनवॉइस की यानी उधार की आपने कोई एंट्रियाँ पास की हैं, आपकी ट्रांजेक्शन की एंट्रियाँ हैं, ट्रांसफर की एंट्रियाँ हैं, एडजस्टमेंट की एंट्रियाँ हैं, प्रोविजंस की एंट्रियाँ हैं, क्लोजिंग ईयर्स की एंट्रियाँ, ये सारी एंट्रीज आपकी यहाँ पे आप पास कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक एक एंट्री हम पास करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री में क्या पास करता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे लिस्ट में मैं चेक कर रहा हूँ मेरी कोई भी
लेजर्स नहीं आया सिवाय कैश ऑन प्रॉफिट एंड लॉस के। दो लेजर्स हमेशा जब भी कोई आप नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो आपके बने होते हैं, एक कैश एक प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी सारे लेजर्स आपको क्रिएट करने हैं। जिसका लेजर आपने एक बार बना दिया, मतलब जिसका एक बार खाता खोल दिया, उसका खाता आपको दोबारा खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे मेरा सीआर लिखा आ रहा है पहले, यानी क्रेडिट डालना है मुझे। तो डालने के लिए यहाँ पे लेजर बनाने के लिए हमें एक शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूँ मैं, ऑल्ट सी, यानी सेकेंडरी क्रिएशन की शॉर्टकट की। लेजर का नाम मैंने फॉर एग्जाम्पल रखा एटीट्यूड, एटीट्यूड एटीट्यूड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स के अंडर में आएगा हमारा ये हेड, इसका एड्रेस वगैरह हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, कौन सा स्टेट है, क्या है, पिन नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, देन एक्सेप्ट। ठीक है, कितने अमाउंट इसने लगाया, मैंने कहा 1.5 लाख रुपए लगाए इन फॉर्म ऑफ कैश के, कैश लिया। नरेशन आप यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, बीइंग एटीट्यूड कैपिटल्स ब्रिंग द कैश 1.5 लाख रुपए, आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मेरी एक एंट्री पास हो गई रिसीप्ट की। देन मैंने एक अकाउंट खुलवाया HDFC बैंक में, तो मुझे कॉन्ट्रा में आना पड़ेगा, F4 शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी। क्रेडिट क्या होगा मेरा, कैश, कैश में मैंने 25,000 रुपये बैंक में जमा कराए। डेबिट क्या होगा, जैसे HDFC बैंक ओल्ड सी करके मैंने आपको बताया था क्रिएट करना है, देन HDFC बैंक अंडर में बैंक अकाउंट मेरा। ठीक है, ले लिया, देन सेव किया। यहाँ पे पूछेगा कि आपने कितने कितने के नोट जमा कराए, मैंने कहा 1,000-1,000 रुपये, 25 नोट जमा कराए 1,000-1,000 रुपये के, तो टोटल कितना हो गया 25,000 रुपये, सेव करा। ठीक है, इस तरह से हमें एंट्री पास करनी है। अगर सारी एंट्री वन टाइम पे देखनी है मुझे, तो मैं कहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे मुझे सारी एंट्री दिखा देगा, डिस्प्ले में जाना है मुझे और डे बुक में देखना है। अभी दो एंट्री मैंने पास की थी, दोनों यहाँ पे मेंशन हो गई है। ठीक है, इसी के साथ साथ मेरी रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट जनरेट हो गई है, जितने भी अभी मैंने पास किए, मेरा ट्रेडिंग बैलेंस या ट्रायल बैलेंस आप बोल सकते हैं, ट्रायल बैलेंस जनरेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह की सारी डिटेल हमारी जैसे ही हम जर्नल एंट्री पास करते हैं वो बननी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं वैट का, कि हमको वैट कैसे लगाना है। मतलब अगर टैली के अंदर मुझे वैट की ट्रांजेक्शन करनी है, वैट वैल्यू एडेड टैक्स हमारा, ठीक है, तो उसकी ट्रांजेक्शन हम कैसे पास कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वैट होता क्या है। ठीक है, वैट के लिए वैल्यू एडेड टैक्स मतलब एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, जैसे आपको पता है कि दो तरह के टैक्स लगाती है गवर्नमेंट हम पर, एक डायरेक्ट वे में और एक इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्ट टैक्स मतलब जैसे आपका इनकम टैक्स हुआ, वेल्थ टैक्स हो गया, ये सब क्या है, TDS आपका डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं, आपका वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज हो गया, CST वगैरह हो गया, ये सब आपके इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। तो उन्हीं में से एक टैक्स है वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। दिल्ली की अगर बात करें तो चार कैटेगरीज हैं रेगुलर रजिस्टर्ड डीलर की हमारी, 1%, 12.5%, 20% और 5%। 1% हमारा लगता है सिल्वर, गोल्ड, स्टोन, डायमंड्स वगैरह पे, 12.5 हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट प्लस फूड प्रोडक्ट्स प्लस नॉर्मल प्रोडक्ट्स पे लगता है, 5% की अगर बात करें तो मेडिकल से रिलेटेड रखते हैं हम इसे, और अगर हम बात करें आपके 20% की तो फ्यूल, डीजल, ऑयल, मोबिल ऑयल पे लग रहा था, मगर दिल्ली में अभी दिल्ली सरकार ने उसे थोड़ा सा चेंज किया है, 20% से उसको 25% इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप हैं टैली में हमें वैट लगाना है तो सबसे पहले F11, F3 आपको यानी स्टेचरी एंड टैक्सेशन पास करना है। स्टेच F11, F3 से आपका क्या आएगा, स्टेचरी एंड टैक्सेशन। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, अनेबल वैल्यू एडिड टैक्स यानी वैट आपका यस करना है आपको, और सेट अल्टर वैट डिटेल यस करना है। जैसे आप सेट अल्टर वैट डिटेल यस करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा आपका स्टेट क्या है, ठीक है, और उसके बाद पूछेगा आपसे कि आप कौन से टाइप के डीलर हैं। तो डीलर में आपका क्या होता है, कंपोजिशन, कंपोजिशन टू रेगुलर और रेगुलर रजिस्टर्ड डीलर आते हैं। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो कंपोजिशन डीलर जो होते हैं वो हमारे अनरजिस्टर्ड डीलर होते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता है। कंपोजिशन टू रेगुलर का मतलब है एक तरह की स्क्रीम डीलर है जो 1% में मतलब लोअर डिडक्शन रेट में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, जिनकी एनुअल टर्नओवर 10 लाख रुपए से कम होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा रेगुलर रजिस्टर्ड डीलर कौन होता है, जिसकी एनुअल ट्रांजेक्शन जो है वो 20 लाख रुपए से ऊपर होगी, 20 लाख या 20 लाख से ऊपर होगी, वो हमारा रेगुलर रजिस्टर्ड डीलर है। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन कौन सी तारीख को कराया है यहाँ पे बताना पड़ेगा। वार्ड नंबर क्या है आपका जहाँ पे आप टैक्स जमा कराते हैं। ऑथराइज पर्सन कौन है आपके यहाँ जो टैक्स जमा कराता है, उसकी डेजिग्नेशन, उसका प्लेस आ जाएगा यहाँ पे। देन आगे चलते हैं हम, तो आपसे टिन नंबर पूछेगा। टिन नंबर जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं वैट में तो आपको एक टिन नंबर यानी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड कराया जाता है,
जिससे हमें ये पता लगता है कि कौन कितना टैक्स जमा करा रहा है। ठीक है, ये टोटल 11 डिजिट का होता है। स्टार्टिंग के जो फर्स्ट टू डिजिट होते हैं वो उसके स्टेट को बिलोंग करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो 07 से अगर कोई भी टिन नंबर स्टार्ट हो रहा है तो वो दिल्ली का है मेरे, अगर 06 से स्टार्ट हो रहा है तो हरियाणा का है, 09 से स्टार्ट हो रहा है तो यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का है हमारे। ठीक है, इस तरह से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद 9 डिजिट जो होती है रैंडमली सेलेक्ट की जाती है, 00001 से लेके 999999 तक कुछ भी वो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर एज यू नो वेरी वेल। ठीक है, पैन नंबर डालने के बाद उसको सेव करेंगे डिटेल को, तो हमारी वैट की ट्रांजेक्शन करने के लिए हम तैयार हैं। तो एंट्रीज करने के लिए मैंने आपको बताया था आपको कहाँ पे आना है, अकाउंटिंग वाउचर में आना है। गो टू द अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में जब आप जाओगे तो जैसे मैंने आपको बताया था F4 होता है कॉन्ट्रा वाउचर, F5 होता है हमारा पेमेंट वाउचर, F6 होता है हमारा रिसिप्ट वाउचर, F7 होता है हमारा जर्नल वाउचर। इसी तरह से अगर हमें परचेज करनी है वो भी इन्वेंट्री से रिलेटेड तो हम F9 परचेज के लिए यूज करते हैं। तो F9 जैसे ही आप प्रेस करोगे इस तरह की डिटेल आ जाएगी। सबसे पहले आपका पूछेगा सप्लाई एंड इनवॉइस नंबर, मतलब जो आपको बिल मिला है वो क्या है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एक सप्लायर इनवॉइस नंबर यूज किया हुआ है PUR/123 करके हम यहाँ यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा आपकी डेट क्या है, देन आपको पार्टी नेम यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा। अब माल अगर आप उधार परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे पार्टी नेम डालेंगे, अगर कैश से परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कैश लेना है, और अगर बैंक से परचेज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बैंक मेंशन करना है। तो सबसे पहले हम ओल्ड सी सेकेंडरी क्रिएशन वही सेम शॉर्टकट की यूज करेंगे पार्टी लेजर बनाने के लिए। जैसे आप ओल्ड सी प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको पार्टी नेम बनाना है। जैसे राज प्राइवेट लिमिटेड से मैंने कोई माल परचेज किया, एट द टाइम ऑफ द परचेज कोई भी डीलर होगा हमारा वो सेंडरी क्रिएटर्स यानी हमारे लेनदारों में आएगा, हमसे पैसे इसको लेने हैं सेंडरी कौन सा क्रिएटर्स। ठीक है, हमें एक बात का ध्यान रखना है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल जो ऑप्शन है यहाँ पे ये असर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इससे बिलिंग में डील करनी है, मतलब अभी एक बिल बनाना है देन अभी इससे हमें पेमेंट करनी है तो उसकी अगेंस्ट रेफरेंस करनी है। ठीक है, इस तरह से डिटेल, फिर इसकी सारी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए, राज प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पे रहता है, उसका पिन नंबर क्या है, ये सब उसका पैन नंबर क्या है, ये डिटेल हम यहाँ पे दे देंगे सॉफ्टवेयर को, एक्सेप्ट करेंगे नीचे आके। ठीक है, तो हमारी इस तरह की ट्रांजेक्शन आ जाएगी, कंसाइनी एंड सप्लायर की डिटेल, हमारी डिटेल यहाँ पे आ गई है, हमारा टिन नंबर यहाँ पे आ गया है, सप्लायर का नाम एड्रेस और टिन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। टाइप ऑफ द डीलर आपसे पूछता है तो वहाँ पे आप अगर ये रजिस्टर्ड डीलर है तो यहाँ पे आप रजिस्टर्ड डीलर को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे नीचे आएगा आपका नेम ऑफ द आइटम, सेम वैसी ट्रांजेक्शन करनी है, ओल्ड सी करके आपको क्रिएट में जाना है, क्रिएट में आपको आइटम का नाम बताना है कि क्या आपने परचेज किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने टीवी परचेज किया है, अंडर प्राइमरी आ रहा है अभी यहाँ पे भी मैं ओल्ड सी करके उसकी कंपनी का नाम बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने टीवी खरीदा है एलजी का, सोनी का, सैमसंग का, तो ये क्या है सोनी सैमसंग या एलजी हमारा, ये कंपनी का नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ओल्ड सी करके सेकेंडरी क्रिएट कर सकते हैं। क्या, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल एक सोनी कंपनी क्रिएट कर ली, यहाँ पे हम एक्सेप्ट करा देंगे इसे तो यहाँ पे ये सोनी मेंशन हो जाएगा। उसके बाद यूनिट, आप इसे किसमें काउंट करेंगे, मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप एप्पल लेते हैं तो आप क्या कहते हैं, आप यही कहते हैं ना कि 1 किलो सेब दे दो, 2 किलो सेब दे दो, 250 ग्राम सेब दे दो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, या फिर आप केले खरीद रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, 1 दर्जन केले दे दो, तो दर्जन क्या है हमारी यूनिट है। ऐसे अगर आप टीवी खरीदने जाते हो तो आप क्या कहते हो, आप यही कहोगे कि भाई 10 टीवी दे दो, तो 10 इज द क्वांटिटी, या मैं कहूँ कि वो उसकी आप उसे संख्या बता रहे हैं, नंबर्स बता रहे हैं कि आपको कितने टीवी चाहिए। तो नंबर्स में हम यहाँ पे यूज करते हैं शॉर्टकट की NOS, और अगर पीसीस हम बात करें, पीस और नंबर एक ही बात है सॉरी पीस और नंबर की एक ही बात है, पीस अगर हम लिख रहे हैं तो PCS लिखेंगे शॉर्टकट। यहाँ पे भी ओल्ड सी करना है आपको, मैंने यहाँ पे लिखा पीस PCS, फुल नेम दिया, फॉर्मल नेम उसका पीस, देन डेसिमल 2 प्लेस तक काउंट करना है और एक्सेप्ट करा दिया मैंने। ठीक है, इस डिटेल को हमें यहाँ पे जाके एंटर करके एक्सेप्ट कराना है, देन हमें क्वांटिटी डालनी है, उसका रेट बताना है रेट कितना है, और अमाउंट बताना है, अमाउंट बता के एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमसे परचेज टाइप पूछेगा, व्हाट इज द परचेज टाइप। यहाँ पे भी हम ओल्ड सी करके क्रिएट करेंगे हमारा परचेज एट द रेट ऑफ 12.5%, परचेज एट द रेट ऑफ 12.5% हमारा परचेज अकाउंट में जाएगा, इन्वेंट्री को इफेक्ट कर रहा है इसलिए इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली यस रहेगा। आपको यूज इन वैट रिटर्न यानी वैट भी आप इस पे एप्लीकेबल कर रहे हैं तो इसको आपको यस करना है। जैसे आप इसे यस करेंगे आपसे ये क्लास पूछेगा, यहाँ पे सारी टैली में प्री डिफाइंड क्लासेस पड़ी हुई हैं, ठीक है, या इंस्टॉल्ड है, आपको सिर्फ यहाँ से सेलेक्ट करना है परचेज एट द रेट ऑफ
5%, अगर आप 5% लगा रहे हैं तो यहां से 5% लेना है, 1% लगा रहे हैं तो 1% बनाना है। अभी हम 12.5 लगा रहे हैं तो 12.5 आपको लेके चलना है, ठीक है। देन प्रेस एंटर, एंटर प्रेस करना है, नीचे आएंगे। अगर कोई दूसरा आइटम आपका है तो यहां पे एक बार और ओल्ड सी करके बना लेंगे, अगर आइटम नहीं है तो देन एंटर प्रेस करेंगे। यहां पे आपको इसका वैट निकालना है, कैलकुलेट करना है इनपुट वैट। इस पे जब हम परचेज करते हैं तो इनपुट वैट बनता है, तो हमें ये बताना है कि इसका इनपुट वैट कितना बना है। तो उसके लिए हम एक बनाएंगे इनपुट वैट एट द रेट ऑफ 12.5 का, तो उसके लिए भी ओल्ड सी प्रेस करेंगे। ओल्ड सी प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम मेंशन करेंगे इनपुट वैट एट द रेट ऑफ 12.5% ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में आएगा ये हमारा। यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स में हम वैट सेलेक्ट करेंगे, सब ड्यूटी टाइप्स में इनपुट वैट सेलेक्ट करेंगे, वैट टैक्स क्लास में इनपुट वैट एट द रेट ऑफ 12.5 को सेलेक्ट करना है। देन आपको एक्सेप्ट करा के इसे सेव करना है, एंटर करना है आपको मतलब, ठीक है। देन इसका हमें बिल जनरेट करना है, न्यू रेफरेंस बनाएंगे क्योंकि एट ए टाइम ऑफ फर्स्ट रेफरेंस है हमारी। देन जब हम इसकी पेमेंट करेंगे तो अगेंस्ट रेफरेंस आएगा। आपने रेफरेंस बनाया और सेव कर दिया, ठीक है। ये था हमारा पीपीटी, हाउ टू कैलकुलेट द वैट। चलिए अब एक बार लाइव देख लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट द वैट। सबसे पहले F11 F3 वैट एनेबल हमने यस किया, डिटेल को यस किया। स्टेट पूछ रहा है आपसे दिल्ली, कंपोजिशन कंपोजिटर और रेगुलर, रेगुलर ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे क्या होता है। रेगुलर लिया, रजिस्ट्रेशन कब कराया था मैंने वो यहाँ पे डाला, वार्ड नंबर मेरा क्या है, ऑथराइज पर्सन कौन है वो यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। उसके पोस्ट क्या है, उसकी प्लेस कहाँ पे जमा कराता है। देन टिन नंबर आएगा हमारा, टिन नंबर हमने यहाँ पे मेंशन किया अपना। उसके बाद आपका अगर सेल टैक्स नंबर है आपके पास तो भर सकते हैं, नहीं तो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर आएगा, ठीक है। देन सेव कर देंगे हम इसे, कर दिया। उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर में आना है हमें, F9 परचेज प्रेस करना है, सप्लायर इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है, डेट आएगी आपको कौन सी डेट में आपने एंट्री करी है, कैश से करी है या बैंक से करी है वो आप पे डिपेंड करता है, या पार्टी नेम, ओल्ड सी करके पार्टी नेम बना लेंगे। जैसे मैंने राज प्राइवेट लिमिटेड का एग्जाम्पल लिया था, वहां पे राज प्राइवेट लिमिटेड अंदर में किसके आएगा हमारा, जब हम परचेज करेंगे मैंने आपको बताया था सैंड्री क्रिएटर्स के अंडर आएगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल हमें यस रखना है क्योंकि हमें इससे ट्रांजेक्शन नेक्स्ट टाइम पे भी करनी है, मतलब इसकी पेमेंट भी देनी है। इसका एड्रेस क्या है वो यहाँ पे मेंशन करा देंगे, इसका पैन नंबर क्या है वो सब, ठीक है। अब ये कौन से टाइप का डीलर है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आइटम ओल्ड सी करके बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल टीवी किस कंपनी का, मैंने कहा LG। किस में काउंट करेंगे, पीसीज, फॉर्मल नेम जरूरी नहीं है कि हम पूरा लिखें, पीसीज लिख के भी हमारा काम चल जाएगा। सबसे पहले कितने पीस खरीदे, कितने रुपए का एक पीस पड़ा, देन टोटल अमाउंट अपने आप कैलकुलेट करेगा। ओल्ड सी करके हम यहाँ पे डाल रहे हैं परचेज एट द रेट ऑफ 12.5%, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को हम ये मान के चल रहे हैं कि वो 12.5 कैलकुलेट हो रहा होगा। इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली यस है, आपको वैट यस करना है, परचेज 12.5% की क्लास को सेलेक्ट करके सेव करना है इसको, बहुत आर सेम। देन एंटर प्रेस करना है, आपको डिफाइन करना है कि कौन सा वैट लग रहा है। मैंने कहा था कि जब परचेज करेंगे तो हमारा कौन सा वैट लगेगा, इनपुट वैट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में आएगा। वैट इनपुट वैट 12.5% की क्लास सेलेक्ट की हमने, देन सेव किया। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट करके दिखाएगा हमें हमारा कितना वैट यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है। तो 3,50,000 रुपये का 12.5% के हिसाब से हमारा 43,750 रुपये वैट जनरेट हुआ है। इसको हम सेव करेंगे बिल डिटेल डाल के, ये हमारी बिल डिटेल है, सेव कर दिया हमने। उसके बाद अगर हम इसे सेल कर रहे हैं तो F8 प्रेस करना है आपको। अब मैं HDFC बैंक से ही सेल कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे पेमेंट HDFC बैंक में हो रही है, चेक मिल रहा है। टीवी को सेल किया मैंने, 90 पीस बेचे, कितने का बेचा वो यहाँ पे डालना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे, ओल्ड सी करके वहां पे परचेज बनाया था, सेम क्लास यहाँ पे भी बनानी है मगर सेल के साथ। सेल को हमने यस किया, इन्वेंट्री को यस किया, उसके बाद सेल की क्लास को सेलेक्ट करके सेव कर दिया हमने, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइम जब वहां पे इनपुट बना रहे थे तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, आउटपुट वैट। परचेज करते टाइम आपका इनपुट लगता है, देन सेल करते टाइम आपका आउटपुट वैट लगेगा, अंडर में सेल के ही आएगा, इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली इफेक्टेड है। देन हमें वैट भी इस पे एप्लीकेबल कराना है, तो वैट को यस किया। देन सेल की हमने क्लास सेलेक्ट की 12.5%, इसको सेव कराया। यहाँ पे आउटपुट वैट इसका कैलकुलेट करके आपको दे देगा। कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई है, देख लेते हैं, सॉरी। आउटपुट वैट अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या आएगा, ठीक है। वैट आउटपुट वैट 12.5%, देन सेव हमारा, ठीक है। कैलकुलेट कर लिया उसने 12.5% के हिसाब से 70,20,000 रुपये का 8,77,500 रुपये, ठीक है।
अब हमने इसे सेव किया, अब हमें ये चेक करना है कि हमारा वैट रिफंडेबल बना या वैट पेबल बना। उसके चेक करने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले, मतलब सबसे पहले डिस्प्ले पे जाना है आपको। यहाँ पे डिस्प्ले में आपको जाना है, स्टेचरी रिपोर्ट, वैट, वैट कंपटीशन। यहाँ पे आपको बताएगा आपका वैट पेबल आ रहा है या वैट रिफंडेबल आ रहा है। क्योंकि आपका आउटपुट ज़्यादा है, इनपुट कम है, तो वैट पेबल आ रहा है। अगर इन रियर केस आपका वैट जो है रिफंडेबल कब आएगा, जब आउटपुट आपका कम होगा और इनपुट आपका ज़्यादा होगा। चलिए अब हम वैट की एक ट्रांजेक्शन पास करके आपको दिखा देते हैं। पेमेंट पे आप आ जाइए, सिंगल एंट्री मोड F12 से जाके आपने यस कर लिया, मतलब वैट की ऑटोफिल स्टेचरी के लिए। ऑल टेस्ट शॉर्टकट की होती है स्टेचरी पेमेंट की। यहाँ पे आपने बताया कि आप क्या पे कर रहे हैं, मैंने कहा वैट ऑटोफिल स्टेचरी यस, वैट डिटेल यस, कितनी तारीख से लेके कितनी तारीख तक का है अपने आप कैलकुलेट करेगा, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे हमने बैंक से पेमेंट करते हैं जितने भी टैक्सीज होते हैं, देन सेव करेंगे। तो जब हम वैट का चालान जनरेट करते हैं तो कौन सा जनरेट होता है आपको पता होना चाहिए। जब हम वैट जनरेट करते हैं तो चालान जनरेट होता है DVAT 20। देखिए अब यहाँ पे कौन सा वैट का फॉर्म जनरेट हुआ है, DVAT 20 फॉर्म, चालान ऑफ दिल्ली वैल्यू एडिड टैक्स, यानी DVAT आपका कितने रुपए का जनरेट हुआ है, 8,33,750 रुपये का। ये जाके आप बैंक में जमा करा देंगे एंड आपका ट्रांजेक्शन क्लोज हो गया टैली में। ठीक है, तो ये थी हमारी एक छोटी सी डेमो क्लास, हाउ व्हाट इज टैली एंड व्हाट इज मैनुअल अकाउंटिंग एंड हाउ टू ऑपरेट द टैली एंड हाउ टू क्रिएट द कंपनी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे TDS एंड सर्विस टैक्स के लिए। आई होप यू एंजॉय, थैंक यू सो मच।